हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अभिजीत सिन्हा। एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू यस्टरडे दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर नंबर 10 आई एम गोइंग टू स्टार्ट सम मिसलेनियस एंड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चंस आर हियर। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली। व्हाट इज फैमिली? जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, फैमिली ट्रेडिशन। आई नो दैट यू ऑल आर फैमिलियर विथ ऑल दीज फोर क्वेश्चंस। वी आर ऑलरेडी सीन ऑल दीज फोर क्वेश्चंस इन आवर चैप्टर नंबर 1। सो दीज फोर क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर फाइनल एग्जाम। सो राइट इट डाउन सेपरेटली, ओके? मेंशन चैप्टर नंबर 1, फोर क्वेश्चंस एंड कंप्लीट इट इन योर कॉपी, ओके? फैमिली, इट इज़ द फर्स्ट लर्निंग प्लेस ऑफ अ चाइल्ड। ज्वाइंट फैमिली, वेयर मदर, फादर, चिल्ड्रन, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट एंड सिबलिंग्स। न्यूक्लियर फैमिली, ओनली मदर, फादर एंड देयर चिल्ड्रन। फैमिली ट्रेडिशन, द कस्टम और द रिचुअल्स फॉलोड बाय द फैमिली। चैप्टर नंबर 2 इज ह्यूमन माइग्रेशन एंड फ्रॉम दिस चैप्टर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आर, व्हाट आर द रीजन ऑफ माइग्रेशन? वी आर ऑलरेडी नो अबाउट द टू फॉर्म ऑफ माइग्रेशन और द टू रीजन ऑफ माइग्रेशन। वन रीजन इज फोर्स माइग्रेशन एंड सेकेंड वन इज ऑन द पीपल चॉइस, ऑन द पीपल विश। इट इज कॉल्ड वॉलंटरी माइग्रेशन। वॉलंटरी माइग्रेशन व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन विश, ऑन देयर ओन चॉइस इज नोन एज वॉलंटरी माइग्रेशन। एंड फोर्स माइग्रेशन व्हेन पीपल मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस काउज ऑफ डिजास्टर्स सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनो, फ्लड, ड्राउट, फेमाइन एटीसी। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 3, वेरिएशन इन शेल्टर्स। स्टिल्ट हाउस, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, द एरियाज विच इज हाईली अफेक्टेड विथ अर्थक्वेक, फ्लड प्रोन एरियाज, द एरियाज विच इज हाईली अफेक्टेड विथ द एरियाज विच इज हाईली अफेक्टेड विथ फ्लड। एंड स्टिल्ट हाउस, इट इज अ टाइप ऑफ हाउस और टाइप ऑफ अ शेल्टर। सो फर्स्ट 1, 2, 3 चैप्टर इन आर सिलेबस, चैप्टर नंबर 4 is deleted from our portions. So come on to the chapter number 5. Chapter number 5 and 6. 5 is community services, kund, it was also known as well, kua, sisandras, big pond, chipko movement, it is a movement which run in olden times to protect the forest area. Next is Van Mahotsav, plantation or tree plantation. And next one is how to save drinking water by rainwater harvesting method or water harvesting method. Chapter number 6 is leisure time, it is free time. Then in free time we did yoga, आसन, प्राणायाम, चौपाल, नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक इट हैपन इन स्ट्रीट और इन रोड एरियाज, रोड साइड एरियाज। सो गो थ्रू योर चैप्टर, ऑल द क्वेश्चंस यू आर वेरी फैमिलियर। आई नो ऑल द क्वेश्चंस यू आर डन वेरी वेल। सो प्लीज राइट ऑल दीज क्वेश्चंस इन योर कॉपी सेपरेटली, ओके? सेपरेटली इट डजेंट मीन दैट यू परचेज सेपरेट कॉपी, डोंट परचेज सेपरेट कॉपी, राइट ऑल दिस इन योर क्लास वर्क कॉपी। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 7, इट इज ऑल्सो डिलीटेड फ्रॉम आवर पोर्शन। सो कम ऑन टू द चैप्टर नंबर 8 एंड 9 इज ऑल्सो डिलीटेड। सो आफ्टर 8 वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 8 इज रिस्पेक्टिंग रीजनल डिफरेंसेस, इट मीन्स
We seen so many differences or diversities in our society, and when it's seen in our societies, in our locality, it relate with regional. Regional means अलग अलग एरिया, छोटा छोटा एरिया जो होता है, क्षेत्र जो बटा होता है वो रीजनल कहलाता है. एंड व्हाट इज रिस्पेक्टिंग, देन वी मस्ट रिस्पेक्ट द अदर ट्रेडिशन कस्टम्स एंड अदर रिचुअल्स. दूसरे के रीति रिवाज को, दूसरे के रिचुअल्स को, दूसरे के फॉलो करने वाले तरीके को, दूसरे के फेस्टिवल्स को रिस्पेक्ट करना, इट इज़ कॉल्ड रिस्पेक्टिंग रीजनल डिफरेंसेज. जो भी रीजनल डिफरेंसेज है उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए. फर्स्ट वन इज एनिमिज्म, पिक फेस्टिवल, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. वो ऑल दिस थ्री क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी सीन इन दिस चैप्टर. वी आर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट. सो कंप्लीट दिस क्वेश्चंस वेरी केयरफुली. एंड वन मोर थिंग, आई हैव रिपीटेड सो मेनी टाइम दैट प्लीज डोंट मेक मिस्टेक विथ योर स्पेलिंग. Try to improve your spelling, try to improve your handwriting, and also learn where you use capital letter and small letter. I tell you these three things so many times, these three instruction, that is focus on your spelling, your handwriting, and capital letter and small letter. So please don't make any mistake with these three. And now come on to the chapter number 10, the current chapter which we read yesterday or completed yesterday, Mapping India. Reference point, North Pole and South Pole. Latitude, horizontal imaginary line. Longitude, imaginary vertical line. Grid, when longitude and latitude intersect each other, it forms grid over the globe. Orbit, it is a path of Earth on which revolve around the sun, or on a path which earth revolves around the sun is known as orbit. Conventional symbol, some symbols are for the whole world, such as green, such as two poles and intersect with sleeper, it is for railway track, plain line, it is for roadway, and so many symbols. Sketch, it is a rough diagram. Equator, it is as longest imaginary latitude or longest imaginary line, which is also known as latitude. Prime meridian, it is 0 degree in the value which passes through Greenwich, London, Britain. And atlas, book of map is known as atlas, or bunch of map is known as atlas. Next, we will start chapter number 11. It is transport in modern times. इस वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चन भी आप लिख लेंगे, ठीक है, दिख रहा होगा. चैप्टर नंबर 11, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट इन मॉडर्न टाइम्स. It means how transport system change from olden time to modern time, or earlier time to recent times. ये हम लोग आगे पढ़ेंगे next chapter में, okay? फिलहाल यहीं तक. फिर जैसे chapter 11 over होगा, chapter 11 का जो भी miscellaneous question होगा वो हम लोग करेंगे. But इसके बाद हम लोग जितने भी chapters हैं वो सारे chapter का पहले value base देखेंगे. ये तो important questions था. इस important question के बाद वैल्यू बेस्ड के बाद जितना भी एक्टिविटी वर्क है वो सारा हम लोग रिवाइज़ कर लेंगे. जो भी एक्टिविटी होगा, एक दो एक्टिविटी आपको बनाने के लिए भी दिया जाएगा, वो एक्टिविटी बनाएंगे और सबमिट कीजिएगा. ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू.